Hi everyone. So today we are going to welcome Dr. Advait Parida sir, who is a postdoctorate from University of Wisconsin, USA. Hello sir, a very warm welcome आपका और thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, students को अपना time देने के लिए. So आपसे बहुत सारी questions है जो students ने मुझे बोला है पूछने के लिए. They wanted to talk to you personally, in person, either on Zoom or something like that. But I tried कि मैं उन सभी के questions को incorporate करके आपके साथ एक session कर पाऊँ. So सर, first thing first, please tell us something about your journey. अभी तक का आपका जो journey है वो कैसा रहा है? जब CSIR JRF हुआ मेरा 2006 में, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी एज ए PhD फेलो. और PhD मेरा ख़त्म हुआ 2012 दिसंबर में. उसके बाद 2013 सितंबर में मैंने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. तो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में मेरा जो काम था, काम यूजुअली प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शंस के ऊपर काम किया है मैंने. तो जो प्लांट्स मेनली जो ब्रेक थ्रू था ये था कि एक प्लांट है हनी लोकस्ट करके, तो उस वो है तो लेगोमिनेसी फैमिली का, बट उसमें रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन नहीं होती. तो हमने एक पुराना प्लांट कट रहा था तो वहीं से उसके रूट्स निकाल के देखे, बट वहाँ पे रूट नोड्यूल्स तो नहीं होते थे, बट रूट नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते थे. तो वहाँ पे फिर उसके जो रूट नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर थे उसमें से हमने वो बैक्टीरिया को आइसोलेट करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, तो वो कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी हमें मिले वहाँ. और भी दूसरे काम हैं उसकी, जो वो प्लांट के अंदर कैसे घुस रहा है, अंदर जाके क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है कि नहीं, इसके ऊपर मेन काम था. उसके बाद जो PhD का काम मैं बता दूँ थोड़ी, तो उसमें मेरा PhD का जो काम था वो एपिजेनेटिक्स के ऊपर था. एक्चुअली जब DNA में मिथिलेशन होता है, आई थिंक जो स्टूडेंट्स हैं वो DNA मिथिलेशन जानते हो. जी सर. तो साइटोसिन में 5th कार्बन ऑफ साइटोसिन इज मिथिलेटेड, एंड सो मिथिलेटेड दैट इट इज कॉल्ड एज द 5th बेस ऑफ DNA. तो उस मिथिलेशन में एक प्रोटीन होता है, एक क्लास ऑफ प्रोटीन होता है जो उस पर बाइंड करता है. तो उसको मिथाइल CpG बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन्स कहते हैं. तो वो प्रोटीन उस पर जब बाइंड करता है तो उसका करेक्टराइजेशन था कि वो बाइंड करने के बाद क्या करता है, बाइंड करने के बाद वो दूसरे प्रोटीन के साथ किस किस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है, वो आइडेंटिफाई किया हमने. और एक प्रोटीन को RNA डायरेक्टेड DNA मिथिलेशन में इन्वॉल्वमेंट दिखाई, एक प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें फॉस्फेट स्टार्वेशन में दिखाई हमने. उसके बाद उसी जीन फैमिली का टोमेटो पे हमने कैरेक्टराइज किया, उसके फ्रूट डेवलपमेंट में उसका एक मेजर रोल है. DNA मिथिलेशन जब जैसे फ्रूट राइपनिंग होता है तो DNA जीनोम वाइड DNA डीमिथिलेशन होता है, मिथिलेशन रिमूव होते हैं. और MBD का काम भी, जो ये MBD होता है उसका भी इम्पोर्टेंट फंक्शन रखता है. तो कुछ आइडेंटिफाई किए, पूरा करेक्टराइज किया पूरी फैमिली को, और उसके बाद हमने एक दो जीन सिलेक्ट करके उसके फंक्शनल एनालिसिस भी किया. तो अभी तक की आपकी जो जर्नी है यहाँ तक की, वो आपको कैसा लगता है, मतलब हाउ हैज इट बीन, कैसे कैसी रही है ये जर्नी, आपको कितना एनरिचिंग लगता है अपने एक्सपीरियंसेस को देख के, हाउ हैप्पी यू आर अबाउट इट, यू वांट, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग विद अस. इट्स कूल. एक्चुअली बचपन से ही ये था कि ठीक है, तो ठीक है, जो कभी कभी होता है कि हम कुछ एम्बिशंस वेरी हाई रख लेते हैं, पहुंच नहीं पाते, बट हाँ मैं खुश हूँ जहाँ पे भी हूँ अभी. और किया है काम, रिसर्च जो भी है, और आगे भी करता रहूँगा. वी विश यू ऑल द बेस्ट सर. सर ऑल्सो आप, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने के बारे में कि हाउ डिड दे रियली रीच हाउ टू रीच एनी यूनिवर्सिटी, इधर इन लाइक इधर फॉर PhD और फॉर पोस्ट डॉक्टरेट. आपका अगर बाहर जाने की इच्छा हो उनकी, चाहे वो USA हो, यूरोप हो, या और भी किसी कंट्री में, तो आप
जो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से पोस्ट डॉक्टरेट किया है, सो हाउ लाइक हाउ हार्ड इट इज़ टू फाइंड अ पोजिशन लाइक दैट, कितना डिफिकल्ट है इस तरीके की किसी पोजिशन में ये एंट्री ले डिपेंड्स पाना? कि आपके आपका सीवी कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। और जैसे अभी का जो सिचुएशन है पोस्ट डॉक्स में कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बायोटिक स्ट्रेस में प्लांट में बायोटिक स्ट्रेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं क्योंकि ये डायरेक्ट एप्लीकेबल चीज़ है। तो जो लोग बायोटिक स्ट्रेस पे काम करते हैं या थोड़ी बहुत एबायोटिक स्ट्रेस पे वहाँ पे उनकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आपको उस टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। जैसे अभी क्रिस्पर है, क्रिस्पर हर कोई आजकल क्रिस्पर में चीज़ें करना चाहता है, कोई RNAi या siRNA मेडिएटेड या miRNA मेडिएटेड साइलेंसिंग पसंद है। अब सारे के सारे जो हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको क्रिस्पर आनी चाहिए अगर अगर आपका ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा कि हाँ आपको आती है। दूसरी चीज़ है कि आजकल जो डाटा जनरेट हो रहे हैं लार्ज स्केल डाटा जनरेट हो रहे हैं और उनका विजुअलाइजेशन लार्ज स्केल डाटा एनालिसिस जो होता है जैसे NGS हो गया, जीनोम वाइड सिक्वेंसिंग हो गई, जीनोम वाइड DNA मिथिलेशन हो गया, RNA सेक्वेंसिंग हो गई, ये सब चीज़ें जो है इसकी नॉलेज अगर है जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स नॉलेज है तो ये बहुत हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए अगर वो करें। और ख़ास करके दो लैंग्वेज बहुत सारे जगह पे ये दो चीज़ें मांगते हैं, एक तो R फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और एक पाइथन। ये दो चीज़ें अगर पाइथन लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती है या पर्ल थोड़ी बहुत आती है तो वो बहुत हेल्पफुल करेगा स्टूडेंट्स को। एडवांटेज रहता है एक तरीके का जी। अगर नहीं अब अगर आपके सिलेबस में तो नहीं होती हैं ये सब चीज़ें, आपको अगर किसी कंप्यूटर सेंटर में जाके थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई है तो वो भी सफिशियंट ओके सर, है। सो और ये कहूँगा कि CV को थोड़ा ब्यूटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कई स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं, एक क्या कहते हैं, एक टेबल बना देते हैं 10th 12th, ऐसे एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन रॉन्ग ये आता है परसेप्शंस जो है देखने वाले को नहीं लगता कि अच्छा लिखा है। तो थोड़ा कलरफुल थोड़ा ब्यूटीफाई करना है, अपनी अच्छी पिक्चर लगानी है और अपने जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं या फिर जो आपको लगता है कि उस जॉब के लिए ये वही चीज़ मांग रहा है और ये चीज़ मेरे में है तो वो चीज़ फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। जी कि अगर कोई कह रहा है कि मुझे एक एक्सपर्टीज चाहिए RNA सिक्वेंसिंग का तो आपके फर्स्ट पेज पे आप एक कॉलम बना लो भले ही कि आपका स्किल क्या क्या है और उसमें ये पहले ही वो लिखो कि RNA सिक्वेंसिंग आपको आती है। या फिर कोई अगर कह रहा है क्रिस्पर चाहिए तो वो क्रिस्पर पहले नाम पे होना चाहिए। तो वो जब CV देखेगा तो पहला ध्यान उसका उसी पे जाएगा कि हाँ इसको वही चीज़ है जो मुझे चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं पहले बायोडाटा भर देंगे, नेम जेंडर ये सब बिल्कुल लास्ट में रखना है, पहले वही चीज जो आपने किया है एजुकेशन और एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, आपके स्किल्स क्या क्या हैं विद योर मेल ID एंड फोटोग्राफ, इतना पहले पेज पे रहना चाहिए। और जैसे बहुत सारी जगह कवर लेटर मांगते हैं जी तो कवर लेटर जो है स्पेसिफिक टू जो क्या कहते हैं बहुत सारे लोग एक एक कवर लेटर बना दिया सभी को भेज दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक कवर लेटर जो है वो स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक पोजीशन होना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे ये के लिए एक पोस्ट डॉक चाहिए या PhD चाहिए तो आप वो कवर लेटर में मेंशन करो कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं और उसमें लैंग्वेज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, थोड़े वर्ड्स क्या कहते हैं थोड़े समथिंग अच्छे जो कि वर्ड्स होने सामने चाहिए वाले को सुनने इम्प्रेस कर वाला सके। लगे कि हाँ इसको, और वो कोई डिफिकल्ट बात है नहीं, आप वर्ड पे लिख रहे हो राइट क्लिक करो अच्छा वर्ड मिल जाएगा आपको। एब्सोल्युटली सर। ओके सो आपका एक्सपीरियंस एग्जैक्टली, मतलब अगर हम जानना चाहें कि यूएसए में रहने का, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में पढ़ने का एक्सपीरियंस आपका किस तरीके का था, कैसा फील किया आपने वहाँ पर? मुझे लगता है बहुत अच्छा था क्योंकि जैसे
पहले तो कुछ दिन मुझे काम करने नहीं दिया गया क्योंकि वो पेपर्स वर्क सारे खत्म किए। फिर बॉस ने बोला कि अब पेपर वर्क हो गया, अब काम शुरू करते हैं। तो ज़्यादा बड़ा लैब नहीं था मेरा, तो बस 5-6 लोग ही थे रिसर्च स्कॉलर। मैं जब था तो आई थिंक 3 PhDs और 3 अंडरग्रेड्स थे और मैं अकेला पोस्ट डॉक था। तो एंड बॉस वॉज वेरी गुड, बहुत हाईली इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलेक्चुअल्स थे, और उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च कर रखी थी माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, हर किसी में उनका काफ़ी अच्छा नॉलेज था। तो वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। और दूसरी बात, वहाँ जैसे जो अमेरिकन्स होते थे वो बहुत जल्दी आ जाते थे, इवन 7-8 के करीब आ जाते थे। वो 8 to 4 का उनका शेड्यूल होता था, और वो कभी कभी उधर रहना पड़ता है तो रात को भी रुकना पड़े तो रुक जाओ, कोई बात नहीं। और जो हम होते तो मैं तो 9 बजे जाता था, तो हालांकि कोई बात नहीं है, बट हम रात को ज़्यादा देर तक रुकते थे, 6-7 बजे तक रुकते थे। तो और काम का कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, बट सारे लैब में ऐसा नहीं होता है, काम का बहुत प्रेशर रहता है कुछ कुछ लैब में। खास करके जिन लैब्स में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो बड़ी बड़ी टेंशन होती है वहाँ पे, ज़्यादा करने की, और कॉम्पिटिटिव नेचर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है अभी। और हफ्ते में आई थिंक 5 डेज, यहाँ जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 डेज 7 डेज तक हम काम करते थे, वो 5 डेज, सैटरडे संडे कोई जाता नहीं है, क्योंकि तो फ्राइडे शाम को जब वापस आओ विस्कॉन्सिन गलियों से, जब मतलब यूनिवर्सिटी से रूम आते रहो तो हर रूम के सामने कुछ लोग बैठे होते थे और बिल्कुल उनका पार्टी चल रहा होता है, गाना वाना बजा के। ओके, So और I think ठीक all है, in और all it सैटरडे was a संडे great की experience. और एनवायरनमेंट खास करके बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। मतलब मैं जहाँ रहता था उसके सामने कुछ प्लांट्स थे, मतलब बड़े पेड़ थे, और साइड पे रोड था, और उन प्लांट्स में मैंने लाइकेन देखा। लाइकेन जो होता है वो बायो इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का। और मैं पहले दिन जहाँ वहाँ पे देखा तो आई वॉज सरप्राइज, मतलब कि रोड के साइड में जहाँ पे रोज हजारों गाड़ियां जा रही हैं वहां पे भी लाइकन जो है उस प्लांट पे है। मतलब एनवायरनमेंट इज वेरी गुड एंड हेल्दी। ग्रेट ग्रेट दैट वॉज ग्रेट. ओके सर. यस. सो आपके ओपिनियन में सर, मतलब बिकॉज स्टूडेंट्स का एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है ये कि वेयर एग्जैक्टली शैल वी गो फॉर PhD, शैल वी एग्जैक्टली मतलब प्रोसीड टू एनी फॉरेन कंट्री, कि हम किसी और कंट्री में जाए या फिर हम कि अपने इंडिया से ही हमको PhD करना चाहिए. ज़्यादा बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से क्या है, अगर आप सजेस्ट करना चाहेंगे तो. एक्चुअली दोनों सही हैं, कोई गलत नहीं है। आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आपको कोई बाहर की यूनिवर्सिटी में मिल रही है और अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल रही है तो शिफ्ट हो, और यहाँ पे और वहाँ पे जो मेजर फर्क होता है, तो दोनों सही हैं, कोई गलत नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आपको बाहर मिल रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए, और यहाँ पे भी अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल रहा है तो भी आपको जाना चाहिए। कोई जो फर्क मैन है वो तो दो चीज़ों में है, कि पहली तो जो है स्कॉलरशिप जो होती है, अगर आपको किसी स्कॉलरशिप के थ्रू जाना पड़ता है, इंडिया में स्कॉलरशिप के कंपैरिजन बाहर की जो स्कॉलरशिप होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है और अच्छा जी अमाउंट। कभी कभी कुछ बच्चे बिना स्कॉलरशिप के चले जाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके फिर बाद में स्कॉलरशिप मिलता है, तो वो थोड़ा स्ट्रगल रहता है। और थोड़ा आपका बैकअप होना चाहिए कि आप अगर बाहर जा रहे हो तो 1-2 महीने या फिर 2-3 महीने का बिना स्कॉलरशिप के भी अगर आप चला सको रहने का ओके. खाने का। बट यूजुअली जो स्कॉलरशिप का सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, लगभग जो भी इंडियंस आते हैं मैंने देखा है कि सबको मिल जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी स्कॉलरशिप होती हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो यूएस में, खास करके यूएस में जो PhDs होते हैं वो टीचिंग असिस्टेंट भी होते हैं, तो टीचिंग में भी उनको कुछ पैसा मिल जाता है। तो और जो पैसा मिलता है वो अच्छा खासा मिल जाता है, तो करने लायक आराम से। और
दूसरी चीज ये है कि काम का अगर वो डिपेंड करता है आपका लेट कैसा है वहाँ का, अगर बात करें तो आजकल जैसे आजकल थोड़ा रेसिज्म का भी इशू है, आपको देखना पड़ेगा कि बाहर का जो प्रोफेसर है वो कितना सही हो। और दूसरी चीज़ इसी के बारे में कि अगर पब्लिकेशन, तो आपको PhD से अगर एक चीज़ आपका वो फ्यूचर में काम देता है तो वो है पब्लिकेशन। आपको ये देखना होगा कि पब्लिकेशंस जिस गाइड के अंदर आप ज्वाइन करते हो उसका उसका प्रोफाइल कैसा है, उसने उसके पब्लिकेशंस किस जर्नल्स में हैं और कैसे जर्नल्स में हैं, इम्पैक्ट फैक्टर कितना है उन जर्नल्स का, क्या वो किसी मतलब बिग शॉट है या नहीं है, वो भी डिपेंडेंट है। अगर वो एडिटर है बहुत सारे जर्नल्स का तो वो आपके पेपर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आते रहेंगे। एग्जैक्टली इंडिया में भी वही, अगर आपका बहुत सारे जर्नल्स में एडिटर्स हैं, मैं कुछ साइंटिस्ट को जानता हूँ, बहुत सारे जर्नल्स में एडिटर्स हैं इंडिया में भी बाहर में भी, तो उनके स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती पब्लिकेशन की, वो कुछ ना कुछ बीच बीच में वो पब्लिश करते ही रहते हैं। और तो जो मतलब मेजर जी सर मेजर जो डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ से PhD करके पोस्ट डॉक बाहर कर सकते हो, या फिर बाहर PhD करके फिर तो मतलब इन शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से PhD करता है, सो किसी भी जगह से, पहली बात तो यदि PhD आप कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ इज आपका जो जो रिसर्च पेपर्स हैं, जो रिव्यू पेपर्स हैं, वो आपके कितने अच्छे जर्नल्स में आपने लिखे हैं, कितने इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स लिखे हैं, एंड दैट ऑल्सो कि आपकी जो PI है वो कितने बिग शॉट है, या इस तरीके की चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एट द एंड ऑफ द डे। ऑल्सो ये एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि अगर आप PhD यहाँ से कर रहे हैं तो मतलब अल्टीमेटली आपको किधर कहाँ सेटल होना है, ये भी एक ऑल्सो आई थिंक की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, कि अगर इंडिया में किसी को होना है तो अल्टीमेटली शायद उसको इंडिया से ही PhD करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है बिकॉज आप टच में रहते हो। हाँ, टच में रहते हैं वो चीज़ें, बट जरूरी नहीं है, आप बाहर से भी करके रिटर्न कर सकते हो और कोई जॉब ले सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि वो सिर्फ PhD में तुम्हारा, तुम एक बार पूछे थे कि और अपॉर्चुनिटी क्या है PhD की, तो कुछ एग्रीकल्चरल कंपनीज हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो बहुत रिक्रूटमेंट ले रहे हैं, बट एक आधा जो फार्मा कंपनी है वो ज़्यादा रिक्रूटमेंट किए वहाँ। तो अगर आप आपकी PhD प्लांट में ना करके अगर एनिमल में करते हो तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू प्लांट, क्योंकि प्लांट में कंपनी के बारे में थे, बाकी जॉब्स के लिए तो सेम है। बट जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, अगर आपने कैंपस के ऊपर काम किया हुआ है तो दे विल रिक्रूट यू, या फिर ह्यूमन सेल लाइन के ऊपर काम किया है और वो कर रहे हैं, तो जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होते रहते हैं, रिसर्च एसोसिएट्स और साइंटिस्ट के पोजीशंस आते रहते हैं। कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इंडिया में भी हैं, US और पूरी वर्ल्ड वाइड हैं, जो डायरेक्ट पेशेंट्स के साथ ही कनेक्ट होते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट होते हैं, वो इजीली रिक्रूट करते हैं। और तो ये फायदा होता है एनिमल में, एनिमल रिसर्च में और या ह्यूमन रिसर्च में ज़्यादा स्कोप ज़्यादा है, खास करके आजकल जो कैंसर है या फिर न्यूरोबायोलॉजी है, इन सब में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आजकल, बहुत पोजीशंस मिलती रहती हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर इतना डिटेल्ड पूरा ओवरव्यू देने के लिए सब चीज़ों के बारे में। ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो, क्योंकि अगेन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है तो आई हैव टू आस्क यू दिस एज वेल। सो आपको क्या लगता है, अपार्ट फ्रॉम PhD देन पोस्ट डॉक्टरेट एंड देन वी नीड टू गो इन टू द रिसर्च फील्ड, इधर वी बिकम साइंटिस्ट और वी बिकम लाइक हमको लगता है कि हम आप बोल सकते हैं कि टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं या आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, अपना खुद का लैब खोल सकते हैं इंडिया में या बाहर इंडिया के, इन एरियाज के अलावा मतलब ये दीज आर द सबसे कोर एरिया जो हमारे फील्ड में स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, इसके अलावा आपको ऐसा क्या लगता है कि ये मतलब दीज आर द बेसिक्स एंड देन व्हाट एल्स कैन द स्टूडेंट्स डू, उसके अलावा और किधर क्या और रिसर्च करियर अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के पास में? देखो, टीचिंग एकेडमिक दो चीज़ें हैं, एकेडमिक और इंडस्ट्री।
और एकेडमिक में ये है कि आप या तो टीचिंग में जाओ या फिर रिसर्च में जाओ, या बोथ, एक कम्बिनेशन से हमारा। और दूसरा जो है वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हो सकता है कि आप किसी कंपनी में अप्लाई करके कंपनी में जो है ज्वाइन करो, या फिर खुद की कंपनी या स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। जैसे बायरेक है, इंडियन गवर्नमेंट का ही, उसमें वो फंड देते हैं, बट आपको एक आइडिया देना होगा, एक काम करने के लिए ये आइडिया ये है, देखिए भी गुड है आपके आइडिया के ऊपर कितना खर्चा है, आप कॉस्ट एस्टिमेट करके दो तो वो पेमेंट देते हैं उसके ऊपर, और एक स्टार्टअप इंडस्ट्री शुरू करते हैं। कई लोगों का आप अगर उनके साइट देखोगे तो वहाँ पे लिस्टेड है कि किन किन को मिला है और किन काम के लिए है। ऑल आर इनोवेटिव, दूसरे दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सिर्फ बायोलॉजी में नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अपने पीएचडी से कुछ निकला है और उसको पेटेंट कर दिया, या बिना पेटेंट किए भी बायरेक को लिखा, बायरेक विल फंड, वो एक अपॉर्चुनिटी है। बट इसमें थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा है, मतलब ये सब कुछ आपको करना होगा, अगर सक्सेस हुए तो आप। सो दैट वॉज अ रियली डिटेल्ड, मतलब आपने जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स थे उन सभी को कवर करके, स्टूडेंट्स मुझे लगता है मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस थे उनको आपने कवर कर लिया। मतलब पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ सारे स्टूडेंट्स की तरफ से और मेरी तरफ से, क्योंकि आपने इतना टाइम निकाला हम सबके लिए अपना अपने बिजी स्केड्यूल में से। ऑल्सो लाइक वी आर रियली ग्रेटफुल, वी आर रियली थैंकफुल टू सच अ हम्बल मैन हु हैव डन इज पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, पोस्ट डॉक्टरेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, एंड देन आई एम लाइक वेरी श्योर कि स्टूडेंट्स को जो भी आपने बातें बताई हैं उनसे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने करियर के जो पाथ है उनको चूज करने में। एंड वी विश यू अ ग्रेट ग्रेट करियर अहेड सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग देयर फॉर अस ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।